हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी नाजो 50A में आप अलार्म कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्लॉक में चले जाना है। क्लॉक में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये वाले सेक्शन में, अलार्म वाले सेक्शन में, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइम सेट कर लेना है अलार्म के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 बजे का टाइम सेट कर लेता हूँ और ये मैंने 5 बजे का अलार्म सेट कर लिया और यहाँ पर AM सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी रिंग वंस और कस्टम। अगर आपको एक बार के लिए अलार्म को सेट करना है, रिंग वंस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको खुद से डे सेलेक्ट करना है या फिर डेली के लिए सेट करना है तो कस्टम पर क्लिक करेंगे, रिपीट की ऑप्शन आ जाएगी। आपको जिस जिस दिन के लिए चाहिए अलार्म आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर रिंगटोन की ऑप्शन मिल जाएगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से रिंगटोन भी चेंज कर सकते हैं अलार्म की। यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन्स अवेलेबल हैं, आपको जो भी अच्छी लगे आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनल स्टोरेज से रिंगटोन सेट करनी है तो आपको ऊपर आ जाना, आप देखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका सभी जो आपने डाउनलोड करके म्यूज़िक वो ओपन हो जाएंगे, जो भी सॉन्ग्स होंगे तो आप सेट कर सकते हैं सिंपली क्लिक करके। अब मैं आपको अगली ऑप्शन बता दूँ और उसके वाइब्रेट, इसे हम अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए साउंड के साथ अलार्म के तो इसे ऑन कर देंगे, नहीं तो ऑफ रहने देंगे। अगली ऑप्शन है स्नूज, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं दोस्तों इससे होगा ये, जब आपका अलार्म बजेगा आप उठ नहीं पाएंगे और अलार्म नहीं बंद कर पाएंगे, एक बार फिर से अलार्म बजेगा जब तक आप इसे बंद नहीं कर देते, तो इसका ये फ़ायदा है। तो यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देंगे, अलार्म सेट हो जाएगा।